मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। जवेरा थाने के सिंग्रामपुर अंचल में मंगलवार की सुबह से दोपहर तक हुई तेज बारिश में नदी नाले उफान पर थे। वहीं जंगली फलकु नदी में नहाते वक्त नदी के तेज जलधार में एक किशोर के बहने की खबर सामने आई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। नदी पर बने डैम पर तीन लड़के नहा रहे थे, तभी अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया और तेज बहाव की वजह से पानी में फंसे लड़के अपने आप को संभाल नहीं पाए। जैसे तैसे करके दो लड़के अभिषेक और दीपक ने तो तैरते हुए उफनती नदी से किनारे लगकर अपनी जान बचा ली, लेकिन नदी में तैरते नहीं बनने की वजह से 17 वर्षीय संजय पिता सोमनाथ नदी के तेज बहाव में बहता हुआ चला गया, जिसका देर शाम तक कुछ पता नहीं चला है। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर डायल 100 के साथ पुलिस स्टाफ पहुंच गया है। अभी तक संजय का कुछ पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे सिंग्रामपुर पुलिस चौकी में पदस्थ ASI इंद्राज सिंह सहित पुलिस स्टाफ के द्वारा नदी में बहे युवक की खोज की जा रही है। वहीं परिजनों का हंसते खेलते बच्चे का अचानक से नदी में बहने से रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कितने जन थे साथ में? तीन लड़का रहे थे। तो दो जन और कहाँ है? तीन जने बच गए हैं, एक जन क्या नाम है बच्चे का जो बह गया? वो लड़के का संजय। पूरा नाम? संजय बसु। संजय बसु। पिता का नाम? उनके पिता को नाम नहीं है। अकेला था वो, मतलब जो बह है? उनके नाना को बता सकते थे। क्या नाम है? धम्मी।